आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। जनपद में 191 ग्राम पंचायत सदस्य, 6 ग्राम प्रधान और 6 बीडीसी सदस्यों का शनिवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुआ उपचुनाव। 54% से अधिक पड़े मत। डीपीआरओ ने कहा 14 को होगी मतगणना। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनपद के 2 श्रमिकों से किया वर्चुअल संवाद। उप श्रमिक आयुक्त ने आपदा सहायता योजना के तहत 7 बाल श्रमिकों के अभिभावकों को 1,000 रुपए का प्रमाण पत्र किया वितरण। एडीजी जोन के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन तमंचा के तहत राजघाट पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अवैध पिस्टल तथा एक बाइक किया बरामद, भेजा जेल। शासन द्वारा दिहाड़ी मजदूरों और ठेला खोमचा वालों को दिए जाने वाले 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता के लिए डीपीआरओ कार्यालय में किया जा रहा है डाटा फीडिंग का कार्य। डीपीआरओ ने कहा शासन को भेजा जाएगा पात्र लाभार्थियों का डाटा, मिलेगी 1,000 रुपए की सहायता राशि। ग्राम शहरों में कथित फायरिंग की घटना निकली। फर्जी विरोधियों को फंसाने के लिए अपनी ही गाड़ी पर ग्राम प्रधान ने की थी फायरिंग। बासगांव पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 1 पिस्टल, 3 खोखा सहित 1 सफारी वाहन किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम ने शनिवार से शुरू किया 3 दिवसीय विशेष सैनिटाइजेशन अभियान। नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। कहा महानगर के सभी 23 सीएससी और पीएससी में विशेष अभियान के तहत किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। भारतीय जनता पार्टी महानगर के पोस्ट कोविड हेल्प सेंटर का क्षेत्रीय अध्यक्ष ने फीता काट कर किया शुभारंभ। कहा पोस्ट कोविड के मरीजों को इलाज में मिलेगी सुविधा। गोरखपुर में शनिवार को मिले 14 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,155। अब तक 814 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 432 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुआ समाजवादी पार्टी की मासिक समीक्षा बैठक। मतदाता सूची दुरुस्त कराने तथा जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के जीत की बनी रणनीति। नगर आयुक्त ने मोहद्दीपुर क्षेत्र में नाला सफाई अभियान का किया निरीक्षण। कहा नालों में कूड़ा करकट डालने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। बेहतरीन कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को दिया 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। शनिवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 64 बूथों पर 8,735 लोगों ने कराया कोविड का वैक्सीनेशन। टीकाकरण कराने वाले लोगों ने कहा नहीं हुई कोई दिक्कत, अवश्य कराएं वैक्सीनेशन। शासन के द्वारा लगाए गए साप्ताहिक बंदी के दौरान शनिवार को महानगर में दिखा कर्फ्यू का असर। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। रात्रि में भी पुलिस करा रही है रात्रि कर्फ्यू का पालन। एडीएम सिटी ने कहा सड़कों पर अनावश्यक निकलने वाले लोगों के खिलाफ लिखा जाएगा मुकदमा। और मानसून की दस्तक के साथ रिमझिम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को मिला गर्मी और उमस से राहत। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक हवाओं के साथ बारिश की जताई संभावना।